हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक स्पेशल गाना कवर करेंगे जो कि बहुत सारे यूज़र के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था और ये गाने को मैंने काफ़ी पेंडिंग में रखा हुआ था। ये गाना है आपके बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री का पेंड सॉन्ग जिसका नाम है मैं बोला हे। ठीक है, इस गाने को हम लोग कम्प्लीट गिटार पर कवर करेंगे और मैं आपको लाइव ट्रैक के साथ रिकॉर्ड करके इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन दिखाऊंगा। इसके बाद मैं ऐसे इसके रिफ और बाकी सारे चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभी कोटा फैक्ट्री का जो है सेकंड सीज़न आने वाला है तो हम लोग ये गाना कवर करेंगे। आप इसका कवर बना के आप कहीं पे भी शेयर करिए, बहुत मज़ा आएगा इस गाने को प्ले करने में और सीखने में भी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आज का लेसन। अगर आपको इस गाने का कॉर्ड चार्ट वगैरह चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे DM कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम और बाकी सारे सोशल मीडिया ID की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आज का लेसन। आप कॉर्ड प्रोग्रेशन चेकआउट करिए प्लीज़। तो जैसे कि आपने देखा कि गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन काफ़ी इजी है। गाना बेसिकली आपके सी मेजर की में है। इसमें तीन ही कॉर्ड यूज हैं, सी मेजर, जी मेजर और एफ मेजर। ठीक है, फटाफट से हम लोग गाने का जो इंट्रो रिफ प्ले हुआ है उसको एक बार सीख लेते हैं। मैंने क्या किया, आपका जैसे सी मेजर कॉर्ड से आपका जी मेजर में आपको स्विच करना है और वो भी बहुत जल्दी ट्रांजिशन करना है आपके स्टार्टिंग वाले रिफ के लिए। तो देखिए, पहले हम लोग सी मेजर को होल्ड करेंगे, इसके बाद आप प्ले करेंगे 5 4 3 और वो भी एक फ्लो में पूरा। ठीक है, ऐसे प्ले करेंगे। उसके बाद आपको नीचे से दो स्ट्रिंग को प्लग करना है, वो है 1 और 2। ठीक है, साउंड कैसे करेगा ऐसा। ठीक है, मतलब पहले 5 4 3 1 2 ऐसा साउंड करना चाहिए और वो भी एक फ्लो में। ठीक है, इसके बाद आप जी मेजर में स्विच करिए। ठीक है, आपको प्ले प्लग करना है इसमें बेस स्ट्रिंग, मतलब छठवीं स्ट्रिंग। ठीक है, और फोर्थ स्ट्रिंग, छठवीं और फोर्थ और 1 2 नीचे से, मतलब 6 4 1 2 और वो भी एक फ्लो में। कैसे साउंड करेगा,
ठीक है, इतना प्ले कर लिया। इसके बाद आप एफ मेजर में स्विच करिए और आपको नीचे की चार स्ट्रिंग मतलब दिस इज फोर्थ स्ट्रिंग 4 3 1 2 इसको एक फ्लो में प्ले करना ऐसे, ठीक है। तो कैसे साउंड करेगा एक बार हम लोग देख लेते हैं शुरुआत से। तो आपको क्या करना है 4 3 1 2 तो उसको एक फ्लो में बजाइए, ठीक है। तो मतलब 1 2 करने के बाद आप 3 और 2 एक बार और करिएगा, ठीक है। तो ऐसा साउंड करेगा, ठीक है। तो ये पूरी रिप बज जाएगी आपसे, ठीक है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे संपर्क करिए, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसका एक बार हम लोग रिदम पैटर्न चेकआउट कर लेते हैं, और रिदम पैटर्न कुछ नहीं है, ऐसा है, ठीक है। डाउन डाउन, फिर अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन डाउन। तो ये क्या है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये वाला रिदम पैटर्न आप यूज करिए, आपसे गाना आसानी से प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाने में ऐसा कुछ खास नहीं है, और एक जगह बीच पे सोलो यूज़ हुआ है वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं सी मेजर से। अगर आपको परेशानी हो तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग गानों से रिलेटेड गिटार लेसन कंटेंट्स आपके लिए रेगुलरली लाता रहूं। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर DM करना ना भूले अगर आपको इस गाने से कोई भी समस्या होती है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।